नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। आज पानीपत उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह को एक ज्ञापन सौंपा गया है हरियाणा विद्यालय संयुक्त संघ की तरफ से। क्या इनकी मांग है, किन दिक्कतों के कारण इनको उपायुक्त महोदय से मिलना पड़ा और मुख्यमंत्री के नाम इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। सर, कैसे आप आए और क्या ज्ञापन आपने उपायुक्त को सौंपा है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है और हरियाणा सरकार ने 10 अप्रैल 2021 को डिजास्टर मैनेजमेंट के माध्यम से एक पत्र जारी कर नर्सरी से 8वीं तक के विद्यालयों की छुट्टियां कर दी। हमारा सरकार से अनुरोध है कि पिछले वर्ष भी लगातार नर्सरी से 8वीं तक के विद्यालय लगभग पूर्ण रूप से बंद रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हुई है। हर विद्यालय ने अपने स्तर पर ऑनलाइन एजुकेशन देने का प्रयास किया और वो लगभग पूरी तरह से सफल भी रहा। इसके दुष्परिणाम क्या रहे कि बच्चे समय से पहले मोबाइल और लैपटॉप के आदि हो गए और जिससे बच्चों के सेहत पर और बच्चों के आँखों पर विपरीत असर पड़ा। बच्चों का जो पठन और पाठन का कार्य है वो विद्यालय में आकर पूरा होता है, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो बच्चों में सर्वांगीण विकास होता है ऑनलाइन क्लास के माध्यम से विकास संभव नहीं हो सकता। हमारी सरकार से निवेदन है कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार विद्यालय 9वीं से 12वीं तक कक्षा लगा रहे हैं, पूर्ण रूप से SOP का पालन कर रहे हैं, इसी प्रकार हम नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों को भी SOP का पालन करते हुए विद्यालय खोलना चाहते हैं और सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं, अगर इस वर्ष भी विद्यालय इसी तरह से बंद कर दिए गए तो बच्चों की शिक्षा पर और ज़्यादा विपरीत असर पड़ेगा। बच्चों का जो पठन पाठन जो कार्य है पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाएगा और उनके जो अंदर जो संस्कार हैं उनमें भी लगातार अभिभावक जैसा आकर बताते हैं कि उनमें संस्कारों की भी कमी आती जा रही है। विद्यालय के अंदर जब बच्चा आता है तो उसका चहुमुख विकास उसका संभव हो पाता है और घर पर बैठकर बच्चा उस तरह से शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता जिस प्रकार विद्यालय में आकर ग्रहण करता है। हम एक चीज़ और, प्राइवेट स्कूलों में अक्सर देखने को मिलता है कि कोई भी गाइडलाइन है, कई बार मैं खुद भी रियलिटी चेक करता हूँ कि वहाँ गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जाता, झुंड बनाकर बच्चे बैठे रहते हैं और खासकर जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे नादान होते हैं और सरकार ने इसीलिए आंगनवाड़ी और जो छोटे बच्चों की क्लासें 8वीं तक की है इसलिए बंद किया कि उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डाल सकते, क्योंकि 5वीं तक के बच्चे तो एक साथ टिफिन शेयर करते हैं, पानी एक साथ पीते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए, जो नहीं करता है वो दोषी है। सरकार क्यों नहीं परवाह करती है, सड़कों पर जाकर स्कूलों के बाहर जाकर चलान क्यों नहीं खींचती है? के अंदर पालन नहीं होता। स्कूल के अंदर जो पालन वो जो नहीं करता उसका दोष है, परंतु फिर भी ऐसा नहीं है, सब जगह पालन किया जाता है। छोटा बच्चा है, बार बार उतार लेता है, बार बार लगाता है, 4 घंटे कहना आसान होता है, 5 घंटे कहना आसान होता है, पर इतना नहीं है। स्कूल वाले अपनी तरह प्रयास करते हैं, कोऑपरेशन सरकार का भी चाहिए, पेरेंट्स का भी चाहिए, ये ध्यान करिएगा। आप DC साहब से मिलने गए थे, क्या मांग किया आप लोग? हमने DC साहब से एक निवेदन किया था कि जो सरकार ने अभी जस्ट 10 अप्रैल 2021 को नर्सरी से 8वीं तक के सभी स्कूल्स हरियाणा में सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स को वहाँ पर अवकाश घोषित कर दिया, इससे दो चीज़ें हमारे सामने संकट आ गया। एक तो जो स्टाफ है, कर्मचारी हैं स्कूल के, उनको सैलरी देने की बहुत बड़ी समस्या हो गई। लेकिन मैं मानता हूं कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो हर चीज़ पे भारी पड़ती है, लेकिन समस्या ये है कि जैसे सरकार गाइडलाइन है सरकार की, भाई अगर बच्चे स्कूल में फिजिकली नहीं आ सकते तो आप उनको ऑनलाइन शिक्षा दीजिए। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में मेरा स्कूल है, तो वहाँ पर समस्या ये है कि बच्चों के पढ़ने के लिए ऑनलाइन या तो पेरेंट्स के पास मोबाइल नहीं है और या हैं तो एक पेरेंट्स के 2 से 3 बच्चे हैं तो मोबाइल एक बच्चा यूज़ करता है, बाकी बच्चे उससे वंचित रह जाते हैं। दूसरा, गांव दूर के क्षेत्र में वहां पर टावर्स नहीं है, रेंज नहीं रहती, नेट की सुविधा कम मिल पाती है, तो इस वजह से बच्चे वहां पर उस प्रकार से पूरी तरह से जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसका पूरी तरह से लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए सरकार से DC साहब के माध्यम से निवेदन है कि सरकार विनम्रता से विचार करते हुए और SOP का पालन, गाइडलाइन का पालन करवाते हुए सरकार इस बात की व्यवस्था करे कि सरकूल को
दो या तो दो शिफ्टों में या फिर 50% 30% बच्चे बुला के और दो गज की दूरी के साथ मास्क के साथ लगाकर सरकार नर्सरी से आठवीं तक के बच्चों को कम से कम खोलने की परमिशन दे। हम सरकार का इसके लिए आभारी रहेंगे, सरकार गंभीरता से इस पर विचार करे। तो लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं कि भाई स्कूलों के अंदर टीचर्स भी पॉजिटिव मिल रहे हैं और स्टूडेंट भी पॉजिटिव मिल रहे हैं और उसके बाद भी फिर आप लोग मांग कर रहे हैं कि भाई स्कूल खोले जाएँ। देखिए इस चीज़ का तो ये है, मार्केट में पेरेंट्स भी बाजार में जाता है, उसके भाई बहन बड़े और सारे दूसरे लोग भी जाते हैं, तो इस चीज़ का तो कोई ये श्योरिटी नहीं है कि ये बच्चे जो है मतलब स्कूल से ही पॉजिटिव हुआ है वो। तो मैं तो जहाँ तक मेरा मानना है, जब बच्चा स्कूल आ रहा है ठीक है, उसका माँ बाप बाजार में जा रहा है और हमारे स्कूल से उसकी छुट्टी होगी, बच्चे की बच्चा घर पे है, और जब पेरेंट्स बाजार से कहीं से आएगा तो अपने बच्चे का लाड भी करेगा, प्यार भी करेगा, उसको गले भी लगाएगा, हो सकता है कोरोना उसके वहाँ से आ जाए। और फिर भी अगर मान लिया कोई ऐसी स्थिति बनती है तो सरकार को कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि जिस क्लास का बच्चा कोई पॉजिटिव मिल जाता है उस क्लास को ऑफ कर दो, या स्कूल में अब जैसे मान लिया मेरे पास 30 बच्चों की कैपेसिटी है, मुझे परमिशन दे दी जाए भाई 30 की कैपेसिटी है तो आप 10 बच्चे या 15 बच्चे एक दिन बैठा लो, 15 एक दिन बैठा लो, या 10-10 करके 3-3 बैठा लो। उससे बच्चे का क्या है कि स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है, जो स्कूल में उसको आना उसकी गतिविधियाँ वो मेनटेन रहेंगी, बच्चा नर्वस नहीं होगा। छोटे बच्चे मैंने देखे हैं, बच्चों से मैं मिला हूँ, पेरेंट्स से मिला हूँ, छोटे बच्चे का तो इतना दिल करता है स्कूल में आने का, छोटा बच्चा तो घर परेशान हो गया, आजकल सभी के पास जो घर परिवार नहीं है, सिंगल परिवार है, तो बच्चा घर रह करके भी खुश नहीं है, बच्चा घर में जो है मायूस हो जाता है, वो बड़ा खुशी से बड़ा दौड़ करके स्कूल के अंदर आ रहा है। और हम और ज़्यादा मतलब उसकी तरफ जो है ध्यान देंगे, जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से दी गई है उनका पालना भी करेंगे, जो हमारा साथी कोई स्कूल वाला नहीं कर रहा उसको भी जाकर के हम समझाएंगे, और पूरा प्रयास हमारा रहेगा कि किसी भी प्रकार की जो हम अवहेलना ना करें, तो कुछ हिदायतों के साथ कुछ और इसमें जो है ना थोड़ा कुछ बदलाव करके सरकार हमें जो है ना स्कूल चलाने की कक्षाएं लगाने की दे। और एक और कारण है, कोरोना से तो कुछ होना हो लेकिन हमारे पास ऐसे अध्यापक भी हैं बेचारे जिनकी रोजी रोटी इसी से चलती है, चलो स्कूल संचालक तो निकाल लेगा अपना, लेकिन बहुत सारे ऐसे अध्यापक हैं कि जिनकी रोजी रोटी इसी से चलती है, तो कोरोना से तो उनको कोई नुकसान होना हो लेकिन इससे बहुत भारी नुकसान उन लोगों को हो जाएगा, उनका जीवन जो है संकट में पड़ जाएगा। इस दृष्टि से भी सरकार को जो है हमारी तरफ थोड़ी नरम निगाह करके जो है हमारे लोगों को हमको जो है थोड़ा अपना सरकार ने सहयोग जो है हमें देना चाहिए, और हम विश्वास दिलाते हैं सरकार को कि हम अपनी तरफ से जो है ना पूरी SOP की पालना करते हुए बिल्कुल ठीक ढंग से पूरी पालना करते हुए जो है ना सरकार को सहयोग देंगे और बच्चों को शिक्षा देंगे। उपायुक्त महोदय ने क्या दिया, क्या कुछ आश्वासन दिया है? सर ऐसा है, सबसे पहले तो मैं तहलका का धन्यवाद करता हूँ, हमारी बात सरकार तक पहुँचे, जनता तक पहुँचे। हम इस स्वभाव के हैं कि जैसे हमने DC को ज्ञापन दिया प्रजातांत्रिक तरीके से, SOP का पालन करते हुए, सरकार के नियमों का पालन करते हुए, तो DC साहब ने यह आश्वासन दिया है कि मतलब जो है ना जब सारा हरियाणा में ऐसा है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं छोटे बच्चों की मतलब जो है ना हेल्थ के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो। मैं सर ऐसा कुछ नहीं, हम ये सोच के हैं कि आइसोलेशन से बच्चा और ज़्यादा नर्वस बन जाता है, पेरेंट्स जो है ना वो जितना भी समाज का विकास हुआ वो सामाजिकता से हुआ, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो जैसे हम आपसे मिले हैं तो आपसे कुछ सीखते हैं, आप मेरे से मिलेंगे तो मेरे से कुछ सीखेंगे, हर व्यक्ति एक दूसरे से लर्न करता है, तो इसलिए बंद कोई जायज वो नहीं है इस चीज़ का। हम SOP का सरकार का पालन करते हुए, क्योंकि हम सिविल नागरिक हैं और सरकार जो ना जनता की सरकार बनी हुई है, और हम चाहते हैं कि जैसे जनता सरकार जनता के प्रति समर्पित है, हम भी जनता के प्रति समर्पित हैं, तो हम नियमों का पालन करेंगे और हमें ये आदेश दिया जाए कि आप प्राइमरी या प्राइमरी को छोड़ करके पांचवी से ऊपर सुकून लगा लें। तो ये थे हरियाणा यूनाइटेड स्कूल एसोसिएशन की तरफ से आज उपायुक्त महोदया को ज्ञापन सौंपा गया है, और इन्होंने मांग की है कि भी हमारी जो पहली से जो आठवीं क्लास तक के बच्चे हैं वो उनकी क्लासें फिर से शुरू कर दी जाए। और हालांकि कोरोना के जो मामले हैं लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, उसको लेकर प्रशासन ने ये सख्त रवैया अपनाया था, और स्कूल की तरफ से भी हालांकि जो प्राइवेट स्कूल संचालक हैं उनकी तरफ से काफ़ी सावधानियां बरती जाती है, कोरोना के नियमों का जो है वो पालन नहीं किया जाता है, तो उनकी तरफ से जब ये सवाल किया गया तो इन्होंने बताया कि ये सरकार का काम है और ये विभाग का काम है, निरंतर ऐसे विभागों के द्वारा बार बार स्कूलों के अंदर विजिट करना चाहिए, और ऐसे अगर जो स्कूल मिलते हैं जहाँ पर असावधानियाँ बरती जाती है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल के लिए बस सिर्फ इतना ही, आप देखते रहे सिटी तहलका, सच के साथ नमस्कार।